मंजू वर्मा सह आचार्य राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। अपना टॉपिक चल रहा था अमेरिका क्रांति। इसमें आगे है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को महाद्वीप की इस प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें जॉर्जिया के अतिरिक्त अन्य सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों में मैसाचुसेट्स के जॉन एडम्स और सैमुअल एडम्स, वर्जीनिया के जॉर्ज वाशिंगटन और पैट्रिक हेनरी, और दक्षिण कैरोलिना के जॉन रूजवेल्ट और क्रिस्टोफर गैडस्टन प्रमुख थे। कांग्रेस को बुलाने का मुख्य उद्देश्य था उपनिवेशों की वर्तमान स्थिति पर विचार करना, उनको न्यायचित अधिकारों और स्वतंत्रता की पुनः प्राप्ति और स्थापना के लिए उचित और ठीक विधियों पर विचार करना, और ग्रेट ब्रिटेन तथा उपनिवेशों के साथ फिर से एकता और अच्छे संबंध बनाना था। अधिवेशन के निर्णयानुसार एक घोषणा पत्र तैयार करके इंग्लैंड भेजा गया। गांव गांव में सुरक्षा समितियां स्थापित करने की, ब्रिटिश माल का उपयोग करने वालों की सूचना कांग्रेस को भिजवाने का भी निश्चय किया। गड़बड़ समाप्त न हुई हो तो मई 1775 में एक और सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मैसाचुसेट्स में तनाव जोरों पर था और वहाँ के स्वयंसेवकों ने केनकाई में गोला बारूद का संग्रह किया। 19 अप्रैल 1775 को जनरल गेज ने इस युद्ध सामग्री के संग्रह करने पर जॉन हैनकॉक और सैमुअल एडम्स को गिरफ्तार करने की आज्ञा दे दी। स्वयंसेवकों की एक छोटी सी टुकड़ी ने लैंसिंगट गांव के पास ब्रिटिश सेना का मार्ग रोकने का विफल प्रयास किया। इस प्रकार स्वयंसेवक मारे गए। इसकी सूचना तत्काल सभी उपनिवेशों में फैल गई। कैनकार्ड में वापस लौटती अंग्रेज सेना को हजारों स्वयंसेवकों ने टक्कर लेनी पड़ी, उनके बहुत से सैनिक मारे गए। नेक्स्ट है द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस। 10 मई 1775 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक हुई। बोस्टन के एक धनी व्यापारी जॉन हैनकॉक ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे महान नेता भी उपस्थित हुए। काफी वाद विवाद के बाद एक घोषणा पत्र तैयार किया गया। हमारा उद्देश्य न्याय संगत और हमारी एकता संपूर्ण है। हमारे आंतरिक साधन बहुत हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो विदेशी सहायता निसंदेह लक्ष्य है। जो शस्त्र हमारे शत्रुओं ने हमें उठाने के लिए विवश किए हैं, उन्हें हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयुक्त करेंगे। हम दास होने की अपेक्षा स्वतंत्र होना मरना एकमत से संकल्प ले चुके हैं। इस घोषणा के बाद कांग्रेस की सेना खड़ी करने की योजना पर अमल शुरू कर दिया और जॉर्ज वाशिंगटन को प्रधान सेनापति बना दिया गया। दूसरी तरफ जॉर्ज तृतीय और ब्रिटिश संसद ने उपनिवेशों की ओर से की गई प्रार्थनाओं पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। 23 अगस्त 1775 ईस्वी को जॉर्ज तृतीय ने एक घोषणा पत्र जारी करके अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया। इस प्रकार संघर्ष का सूत्रपात हो गया। नेक्स्ट है पेरिस की संधि। 1782 ईस्वी तक अमेरिकी प्रतीक्षा करते रहे, परंतु अब उन्हें स्पष्ट हो गया कि फ्रांस को उनके हितों की तुलना में स्पेन के हितों की अधिक चिंता थी। वस्तुतः फ्रांस चाहता था कि पश्चिमी क्षेत्र स्पेन को दे दिया जाए, न तो इंग्लैंड और न अमेरिका यह चाहता था कि अमेरिका में कोई तथा फ्रांसी अपना स्पेनिश साम्राज्य स्थापित हो। अतः इंग्लैंड और अमेरिका में गुप्त वार्ता की स्वीकृति प्रदान की गई। शांति वार्ता लंबे समय तक चलती रही और अंत में 3 दिसंबर 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर हो गए। पेरिस की संधि के अनुसार इंग्लैंड ने अपने भूतपूर्व 13 अमेरिकी उपनिवेशों की स्वाधीनता को मान लिया। उपनिवेशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता स्वीकार कर ली गई। नए संयुक्त राज्य की सीमा भी निर्धारित कर दी गई। पेरिस की संधि द्वारा फ्रांस को विशेष लाभ नहीं मिला। उसने केवल पश्चिमी द्वीप समूह में टोमेगो तथा अफ्रीका में सेनेगल के प्रदेश मिले। सेंट लॉरेंस की खाड़ी और न्यूफाउंडलैंड के निकट मछली पकड़ने के अधिकार मिल गए। स्पेन को भूमध्य सागर में मिनाको द्वीप प्राप्त हुआ और अमेरिका में फ्लोरिडा का महत्वपूर्ण क्षेत्र भी मिल गया।
होलैंड को विशेष लाभ नहीं मिला। उन्हें दक्षिण पूर्वी भारतीय समुद्र तट पर स्थित नागापट्टनम का बंदरगाह इंग्लैंड को लौटाना पड़ा। बदले में हॉलैंड को कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की गई। इस प्रकार पेरिस की संधि के साथ अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष का अंत हुआ। नेक्स्ट, क्रांति की घटना। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद कई महीनों तक अमेरिका को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। वाशिंगटन ने अंग्रेजी जनरल हो और उसके 11,000 सैनिकों को बोस्टन से तो भगा दिया, परंतु जब वह न्यूयॉर्क के महत्वपूर्ण स्थान पर अधिकार करने के लिए पुनः अंग्रेजी सेना के मुकाबले में आया तो हालात बदल गए। अंग्रेजी और जर्मन सेनाओं ने अमेरिकी सेनाओं को हार पर हार दी और उन्हें न्यू जर्सी की ओर भगा दिया। महाद्वीपीय कांग्रेस ने अपनी सेनाओं को अधिक सहायता नहीं दी। यह क्रांति बिना किसी अधिनायक के, बिना किसी उग्रवादी वर्ग के सत्ता अधिग्रहण द्वारा, बिना किसी आतंक के शासन की रक्तपातपूर्ण गतिविधियों से हार गई। अमेरिका की विजय और अंग्रेजों की हार के कारण इंग्लैंड और अमेरिका की दूरी। इंग्लैंड को अपने घर 3,000 मील की दूरी पर अमेरिका से लड़ना पड़ता। इतनी दूरी पर युद्ध को चालू रखना कठिन कार्य था। यातायात के उन्नत साधनों के अभाव में सैनिक सहायता पहुंचना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा युद्ध के केंद्र भी लगभग 1,000 मील के घेरे में फैले हुए थे। लड़ते लड़ते अंग्रेज सैनिक जंगलों में भटक जाते, परंतु अमेरिकी लोग जंगलों के चप्पे चप्पे से परिचित थे। दूसरा, उपनिवेशों का सहयोग। उपनिवेशी लोग अपने अपने घर बार और जीवन को सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे। वे अपनी स्वतंत्रता के लिए सब कुछ बलिदान करने के दृढ़ संकल्प थे, साथ लड़ रहे थे। परंतु इंग्लैंड की सरकार ने विभिन्न करों को लगाकर पहले ही उनमें असंतोष पैदा कर दिया था। इसके अलावा वे अपने ही घर में लड़ रहे थे, अतः उनके लिए अपने सैनिकों को रसद तथा अन्य सामान पहुंचाना बहुत आसान था। अंग्रेजी सेना के पहुंचते ही उपनिवेशी उनके आगे झुक जाते, परंतु सेना के भागे आगे बढ़ने ही विद्रोह कर देते। नेक्स्ट, तृतीय, जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्री। इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय अपने आप को वास्तविक राजा मानता था और वह सरकारी काम में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता था। जॉर्ज तृतीय का प्रधान उद्देश्य इंग्लैंड के हित के लिए उपनिवेशों का शोषण करना था, जबकि शासक का उद्देश्य होना चाहिए शासितों के कल्याण की चिंता करना। जॉर्ज के विशेष आग्रह पर ही चाय कर कायम रखा गया। यही चाय कर संघर्ष का मूल कारण बना। यदि जॉर्ज और उसकी सरकार उस समय उपनिवेशों को कुछ सुविधाएं और दे देती तो स्थिति सामान्य हो जाती, परंतु उसने तो चुनौती हेतु यह कहा, पासा फेंका जा चुका है, उपनिवेश या तो आत्मसमर्पण करें अथवा जीत जाएं। इंग्लैंड के बहुत से बुद्धिजीवी जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन से रुष्ट थे। वे चाहते थे कि अमेरिका जीत जाए ताकि इंग्लैंड में जॉर्ज की शक्तियां पर नियंत्रण किया जा सके। नेक्स्ट है, सेनानायक और अन्य राज्यों का सहयोग। यह आपको आगे क्यों बताया जाएगा।